नमस्ते दोस्तों, तन्वीज क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें मालूम है कि खिचड़ी को अभी अभी नेशनल फूड डिक्लेयर की गई है, तो आज मैं ऐसी रेसिपी बनाऊंगी कि खिचड़ी में कुछ क्रिएटिविटी लाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे कि कॉर्न पालक खिचड़ी और मैक्सिकन खिचड़ी। तो सबसे पहले आइए, कॉर्न पालक खिचड़ी में क्या क्या हमें चाहिए। एक कप रेगुलर खिचड़ी जो हम घर पे बनाते हैं वो ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, 1/2 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न है, 3/4 कप पालक की प्योरी है जिसमें पालक को मैंने पानी में उबालकर मिक्सर में क्रश की है, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, सॉल्ट टू टेस्ट, हरी मिर्ची 1/2 टीस्पून मैंने काट के रखी है और थोड़ा सा पानी है। तो आइए कॉर्न पालक खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, इसको हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, पालक की प्योरी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। हमने सॉल्ट थोड़ा ही डाला है क्योंकि खिचड़ी में मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डाल दिया है। अब हम खिचड़ी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल लेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला डालेंगे। हमारी कॉर्न पालक खिचड़ी तैयार है, तो अब हम उसको सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। कॉर्न पालक खिचड़ी के बाद अब हम मैक्सिकन खिचड़ी बनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं मैक्सिकन खिचड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ राजमा, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुआ कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून मैक्सिकन मसाला, 1/2 कप टमाटो प्योरी, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कप तैयार की गई खिचड़ी और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और पनीर। तो आइए मैक्सिकन खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लेते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अजवाइन, बारीक कटी हुई प्याज, 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, टमाटो प्यूरी डाल लेते हैं। 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। राजमा डालेंगे।
आप राजमा की जगह बेक बीन्स भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर, मैक्सिकन मसाला, ये ऑप्शनल है, सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और सौते हो गए हैं। तो अब हम इसमें खिचड़ी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारी मैक्सिकन खिचड़ी तैयार है। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। अब हम सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। ग्रेट किया हुआ पनीर और हरा धनिया से हम गार्निश करेंगे। हरा धनिया डाल लेते हैं। तो हमारी कॉर्न पालक खिचड़ी और मैक्सिकन खिचड़ी तैयार है। आप घर पे बनाइए, खास करके बच्चों को और यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लाके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।